तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की डिजाइन आज हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत होगी। स्केल है, इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1-1 इंच के, हाफ हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। 73 इंच बाय 19 इंच का कपड़ा ले लेना है। अब हमें इस तरीके से पैटर्न कपड़े के ऊपर डाल के ले लेना है। तो चलिए ये सब कुछ हम अभी करके ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पैटर्न लेना है और ये कपड़ा लेना है। तो चलिए, ये हमने 19 बाय 73 इंच का कपड़ा ले लिया है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर लाइनिंग लगा के ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इधर हाफ इंच लगा देना है इस साइड में, और आखिर में भी हाफ इंच लगा के ले लेना है। तो हम सबसे पहले इधर से हाफ इंच लगा के ले लेते हैं। ये हमारे सिलाई के लिए है, जब हम दोनों को अटैच करेंगे। तो उसके आगे हमें 1-1 इंच के लाइन आखिर तक खींचते हुए जाना है। तर अशा पद्धतीने आपण 1/2 इंच हे शिवण्यासाठी टाकलेला आहे। तो देखिए, इस तरीके से हमें 1-1 इंच के लाइन खींचते हुए जाना है। हम पूरा करके ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें आखिर में हाफ इंच इस तरह से छोड़ देना है। तो इस तरीके से अब हम लाइनिंग खींचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरीके से 5 इंच लगा देना है। तो इस तरीके से हमने इधर से इधर 5 इंच तक ले लिया, और इधर हमें टिक मार्क लगा देनी है। उसके आगे हमें 1 इंच के इस तरह से 3 कॉलम बनाने हैं। इसके लिए हमें 3 डॉट डालने हैं। तो देखिए, 1 इंच के ऊपर, फिर से 1 इंच के, और फिर से 1 इंच के ऊपर। तो उसके बाद हमें 1, 2, 3 इस तरीके से 3 इंच इस तरह से बीच में छोड़ देना है। उसके आगे फिर से हमें 1 इंच, 1 इंच और 1 इंच इस तरीके से 3 बार टिक लगा देनी है। तो इस तरीके से है हमें आगे सब कुछ पॉइंट लगा के ले लेने हैं। तो चलिए, इसी तरीके से हम सभी पॉइंट को लगा के ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें 5 इंच के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 इधर 5 इंच के ऊपर टिक मार्क लगा देनी है। उसके बाद हमें 1 इंच, 1 इंच, और उसके बाद हमें फिर से 1 इंच के ऊपर, उसके बाद 1, 2, 3 इस तरीके से 3 इंच के ऊपर, फिर से हमें 1 इंच, 1 इंच, और फिर से 1 इंच। तो इसी तरीके से हम आखिर तक लगाते हुए जाएंगे। हमने सभी के ऊपर टिक मार्क लगा के ले लिए हैं। तो अब हमें इस तरीके से सभी पॉइंट को सिर्फ आमने सामने अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें इन पॉइंट को मिला के जाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये सभी पॉइंट को जोड़ के ले लिया है। तो इसी तरीके से हमें ये सभी पॉइंट को आखिर तक मिलाते हुए जाना है। सिर्फ आमने सामने इनको अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने ये सब कुछ कपड़े के ऊपर नाप लगा के ले लिया है। अशा पद्धति ने अपन सगळीकडे सर्व रेषा ओढून घेतलेल्या आहेत। इस तरीके से सब कुछ पूरा जो है लाइनिंग लगा के ले लिया है। तो चलिए, अब हम इसके ऊपर पैटर्न लगा लेते हैं। तो इस तरह से 1 कॉलम छोड़ के उसके आगे के स्क्वायर में हमें इस तरीके से लाइन लगा देनी है।
उसके बाद एक कॉलम छोड़ना है उसके आगे, तर परत आपल्याला एक चौकोन सोडून त्याच्या पुढे अशाच पद्धतीने आपल्याला ही जी लाइन आहे ही कंटिन्यू करत जायचं आहे, दोन्हीच्या मध्ये एक चौकोन सोडत जायचं आहे। तो दो के बीच में हमें वन कॉलम छोड़ते हुए जाना है। तो उसके आगे देख लेते हैं, ये जो है ऊपर वाला उसके अंदर इस डायरेक्शन में लगानी है लाइन, इस डायरेक्शन में लगानी है, तरिया बाजूला लावायची आहे रेष आणि त्याच्यापुढे एक चौकोन सोडत परत पुढे पुढे तशाच पद्धतीने। तो इसी तरीके से हमें वन कॉलम छोड़ते हुए ही इसी तरीके से लाइनिंग लगाते हुए जाना है। जैसे हमें ये तीसरे वाली लाइन पे देखिए, ये जैसे हमने खींचे हैं बिल्कुल इसी तरीके से इधर हमारी लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से इसके सामने और उसी डायरेक्शन के जैसे, तर तशाच पद्धतीने एकदम समोरासमोर अशी आपल्याला ही रेष ओढून घेत जायचं आहे, शेवटपर्यंत अशाच पद्धतीने पूर्ण करायचं आहे। तो चलिए अब हम इस साइड को भी लगा के ले लेते हैं। तो देखिए पैटर्न में जिस तरह से है बिल्कुल उसी तरीके से, ये देखिए बीच में इधर भी है तो ऐसे बीच में है, तो ये इधर बीच में है तो इसलिए हम इधर बीच में लगा देंगे, और बाकी के दो इस टाइप के बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इस साइड में पैटर्न लगाया है बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस साइड को भी पैटर्न लगा के ले लेना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ पूरा करके ले लेती हूँ। तर चला अशाच पद्धतीने आपण हा सगळा पॅटर्न पूर्ण करून घेऊया। तो देखिए इस तरीके से हमने सब कुछ पॅटर्न पूरा कपड़े के ऊपर उतार के ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से पलटी करना है हमें कपड़े को, और ये जो पैटर्न की साइड है इस साइड को हमें बिल्कुल इस साइड पे लेके आना है। इस तरीके से दोनों साइड को इस तरह से ले लेना है। तो ये जो साइड है हमारी देख सकते हैं आप, ये पैटर्न की साइड और ये नीचे वाली, इन दोनों को हमें इधर से सिलाई लगा के ले लेना है। जो हमने हाफ इंच इस साइड में और हाफ इंच इस साइड में छोड़ा था, तो इन दोनों को हमें इस तरह से इधर से सिलाई लगा के ले लेनी है मशीन से। तो देखिए इस तरीके से हमने इस कपड़े को अटैच करके ले लिया है। इस तरीके से हमारा ये कपड़ा अटैच हो चुका है और इस तरीके से हमारा ये राउंड बन जाता है। तो इस तरीके से, तो चलिए अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमें दो कपड़ों के बीच में इसे हाथ रख देना है। तो सबसे पहले इस तरह से ये स्क्वायर लेना है, इसके पास वाला देखिए इधर का हमें पॉइंट, इसको स्क्वायर का बिल्कुल कोना, इसको इस तरह से सिलाई लगा के ले लेना है। तो उसके बाद ये दूसरा वाला पॉइंट, इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा के ले लेनी है। उसके बाद हमें इस तरह से बीच में हाथ रख देना है और इस तरह से धागे को खींचना है। तो फिर से देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर दी और अब हमें इस तरीके से धागे को खींचना है। तो इस तरह से दो पॉइंट हमारे मिल जाएंगे। तो अब हमें इधर इनको टाइट पैक कर देना है। तो इस तरीके से पैक कर देंगे और इस धागे को हम कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन इतनी बन जाती है। तो फिर से देखिए ये जो है पॉइंट इसका, इसको पकड़ लेना है इस तरीके से, इस तरीके से इसको सिलाई करके ले लेना है। इसको सिलाई लगा के ले लिया और अब हमें आगे का पॉइंट इस तरीके से सिलाई कर देना है और ऐसे धागे को खींचना है और ये दोनों पॉइंट को हमें इस तरीके से टाइट पैक कर देना है इनको। तो इस तरीके से हमें ये पहली वाली लाइन सिलाई करते हुए ही जाना है। तो अब हम इसकी दूसरी वाली जो लाइन है उसे देख लेते हैं। तो देखिए इस डायरेक्शन में कॉलम में हमारी ये जो लाइन है, इसलिए
हम इधर के इस कोने को सिलाई करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है। और अब हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट, बिल्कुल उसी लाइन के सामने वाला, ये स्क्वायर का पॉइंट हमें सिलाई कर देना है और इस तरीके से खींचना है। और अब हमें इसको टाइट पैक कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें आगे भी बनाना है। तो ये हमारा पहला वाला पॉइंट, ये दूसरा वाला, और अब हमें इसे खींचना है। उसके बाद हमें इसको टाइट पैक कर देना है इन दोनों पॉइंट को। और इसी तरीके से ये जो दूसरी वाली लाइन है इसे हमें सिलाई कराते हुए जाना है। इसी तरीके से ही हमें ये जो लाइन है बनाते हुए जाना है। तो जिस डायरेक्शन में हमारे स्क्वायर के अंदर लाइन है, बिल्कुल वही लाइन के बिल्कुल दोनों बाजुओं के दो पॉइंट को स्क्वायर के पकड़ना है और उनको सिलाई करके उनको टाइट पैक करते हुए जाना है। पूरे इन सभी कंटिन्यू करते हुए आखिर तक सिलाई करके लेने हैं। तो चलिए अब हम आगे वाली जो डिजाइन है उसे देख लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल हाथ रखना है बीच में ताकि जो पीछे वाला कपड़ा है इसके अंदर आ ना जाए, इसलिए तो इसके अंदर से हमें ये पहला वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा। और उसके बाद हमें ये दूसरा वाला पॉइंट है इस तरीके से, और अब हमें इसको खींचना है। और अब हमें इन दोनों पॉइंट को मिला के इस तरीके से पैक करना है। तो इसी तरीके से हमें आगे वाला पॉइंट भी सिलाई कर देना है। इस तरीके से हमने दोनों साइड का इस तरह से सिलाई करके ले लिया है और इसी तरीके से हमें आखिर तक सिलाई करते हुए जाना है। तो इस तरीके से ही हमारी सब कुछ डिजाइन बनते हुए जाएगी। तो चलिए ये सब कुछ मैं पूरा करके ले लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं ये कंटिन्यू करते हुए सब कुछ पूरा करने वाली हूँ। जो हमारी निडल है वो सिंपल वाली है, जो हाथ सिलाई में हम यूज करते हैं वो ही निडल मैंने यूज की है इसके अंदर। और जो धागा है वो मशीन का धागा है, वो भी सिंपल सा है हमारा मशीन का धागा, और वो प्लेन लेना है। जैसे जैसे आप डिजाइन बनाते हुए जाएंगे तो ये जो डिजाइन है हमारी और निखरते हुए जाएगी। तो चलिए अब हम सब कुछ बना के ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सब कुछ पूरा करके ले लिया है और सब कुछ पूरा हो जाने के बाद इस तरह से हमारी ये पीछे वाली साइड बनके तैयार हो जाती है। और उसके बाद ये देखिए, ये हमारी दूसरी साइड का बीच का हिस्सा, तो देखिए बिल्कुल बनके तैयार हो जाता है। अब हम हमारी मेन डिज़ाइन को देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये जो बिल्कुल बीच में जो डिज़ाइन है ये इस तरह से बनके तैयार हो जाती है। ये हमारी मेन डिजाइन है। ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद अब हमें इस तरह से, ये देखिए, इधर मैंने बना के ले लिया है, लेयर को लगा के लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये एक साइड का भी पूरा बिल्कुल करके ले लिया है। एक साइड का हमने पहले ही लिया था करके, और अब हमने ये दूसरी साइड का बिल्कुल बना के ले लिया। सिंपल वाली नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने एक जो है हमारी सिंपल वाली लगा दी, और उसके बाद अब हमें ये दूसरी वाली भी सिंपल तरीके से हमें लगा के ले लेना है।
अगर आपने सब्सक्राइब का बटन भी नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके पास वाला बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। तो इस तरीके के बहुत सुंदर सुंदर वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ। तो इस तरीके से हमारी ये पिलो बनके बहुत सुंदर सी तैयार हो चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरीके की बहुत सुंदर सी डिज़ाइन लेके मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।